गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको हिंदी 2 पार्ट 3 हार की जीत पार्ट पढ़ाया था और वो पार्ट मैंने पेज नंबर 19 तक पढ़ाया था। आज मैं आपको पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 21 में सुदर्शन जी के जीवन के बारे में लिखा है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है और शब्दर। तो आज मैं आपको पेज नंबर 20 और 21 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, कहानी के आगे आपको पहले कहानी आपने सबने पढ़ ली होगी और समझ भी ली होगी, तो आज कहानी के आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे, फिर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा अब ये घोड़ा नहीं दूंगा। जैसे पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि एक अपाहिज की बाबा भारती ने मदद की थी और वो अपाहिज क्या, उसने क्या किया, बाबा भारती का घोड़ा लेकर आ गया और वो अपाहिज कौन था, डाकू खड़क सिंह। और ऐसे ही उसने, बाबा भारती ने अपने पूरी आवाज के साथ तेज से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा आप यह घोड़ा नहीं दूंगा। जैसे कि आप लोग को पहले पिछले पेज में बताया गया था कि बाबा भारती अपने घोड़े से, अपने सुल्तान से बहुत प्यार करते थे और जब उन्होंने देखा कि खड़क सिंह उनके सुल्तान को लेके भाग गया तो वो बहुत ही दुखी हुए। बाबा भारती ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा ने क्या कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती उसके पास जाकर बोले, यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है, मैं वापस करने की बात नहीं करूँगा। परंतु खड़क सिंह, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे मना ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह बोला, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, केवल घोड़ा नहीं दूंगा। तो खड़क सिंह रुक तो गया बाबा भारती की बात सुनकर। बाबा भारती ने क्या कहा कि यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है, वापस करने की बात नहीं करूँगा, पर तुमसे एक प्रार्थना है, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मतलब जो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो आप सुन लेना। खड़क सिंह ने बोला कि जो आज्ञा, जो आप बोलेंगे मैं करूँगा, पर मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ गया। खड़क सिंह जो है वो आश्चर्य में पड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी इसको आपको क्या डर है, इससे आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। तो बाबा भारती ने क्या प्रार्थना की कि किसी को ये घटना के बारे में नहीं बताना कि जो खड़क सिंह ने जो क्या किया, उसके सुल्तान को लेके भाग गया, वो किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताना। इसीलिए खड़क सिंह भी सोच में पड़ गया कि क्यों नहीं बताना। इससे बाबा भारती को किस बात का डर है? बाबा भारती ने यही जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। मतलब जो भी दीन दुखों की सेवा करना चाहेगा वो आगे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन पे उसे भरोसा नहीं होगा अगर लोगों को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा। इतना कहकर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसने सोचा, बाबा भारती के कैसे ऊंचे विचार है और कैसा पवित्र भाव है। उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देखता के समान
है। बाबा भारती ने जो बोला कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होगा किसी गरीब पे। तो वो खड़क सिंह पूरा सोचता रहा और उसने कहा कि उसे अपने घोड़े की वो नहीं है, पर उनके लोगों का, गरीब लोगों का कितना ख्याल है, कहीं उनका उन पर से लोगों का भरोसा ना टूट जाए। और उसने क्या सोचते हैं कि बाबा भारती के कितने ऊंचे विचार और कैसे पवित्र भाव है। खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और स्वयं सावधानी से बाहर निकल आया। इस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह वापस रात को आया और उसने सुल्तान को वापस उसी जगह बांध दिया जहाँ पर उसका स्थान था, और उसके आंखों में नेकी के आंसू थे, यानी कि भलाई और अच्छाई के आंसू थे। सूर्योदय से पूर्व ही बाबा भारती उठे, उन्होंने स्नान किया और उसके बाद जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु यह ध्यान आते ही कि सुल्तान तो वहाँ है ही नहीं, वे निराश मन से वही रुक गए। जैसे सूर्य उदय हुआ, सूर्य निकला, तो ऐसे ही बाबा भारती नहा धोकर अपने अस्तबल की ओर चल पड़े और उसको लगा जैसे कि कोई स्वप्न देख रहे हो। तब उसे ध्यान आया कि सुल्तान तो वहाँ नहीं है, तो वो निराश होकर वहीं पर रुक गए। अस्तबल में बंधे सुल्तान ने अपने स्वामी के पावों की चाप पहचान ली और जोर से हिन हिनाया। अस्तबल में बढ़ते कदम क्या थे, सुल्तान ने अपने बाबा भारती के पैर की चाप मतलब आहट को पहचान लिया और आचार्य से और जोर से हिन हिनाया, जैसे कि बाबा भारती को बुला रहा हो। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की ओर दौड़े और घोड़े को देखकर उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती ने जब अपने उस सुल्तान को देखा तो उसको बहुत हैरानी हुई और वे खुशी से अंदर की ओर भागा और उसने सुल्तान को गले से लगाकर रोने लगा मानो जैसे मतलब कोई बेटा कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, जैसे कई सालों बाद बेटा विदेश से आया और पिता उससे गले लगा के मिल रहे हो, जैसे कितनी दूर जो है वो अब हमारी नज़दीकियाँ आ गई है। फिर वे संतोषपूर्वक बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो अब उसने बस तब भी उनके मुंह से ये निकला, आप कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, मतलब अब हर इंसान गरीब की मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उस घटना के बारे में उसने मना कर दिया था, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला कि ये एक घटना घटी है। तो बच्चों कहानी जो है वो आपकी 3 पेज की कहानी है, ठीक है, तो आप लोग ने पढ़ी 18, 19 और 20। तो यहाँ तक आपकी कहानी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको सुदर्शन जी के बारे में बताती हूँ, जिन्होंने उसके जीवनी के बारे में थोड़ा सा लिखा है, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म सन 1895 में पंजाब राज्य के सराइलकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन में ही इन्हें कहानियाँ लिखने का शौक था। इन्होंने अपनी पहली कहानी तब लिखी थी जब ये कक्षा 6 में पढ़ते थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास भागवती है। इनकी कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना रहा है। वे 1950 में बनी फिल्म लेखक संत के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की साहित्य
परिषद के सम्मानित सदस्यों में थे। इनकी रचनाओं में तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी बल्लभ आदि के नाम उल्लेखनीय है। मुख्य धारा के साहित्य सृजन के अतिरिक्त अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इनका देहावसान सन 1967 में हुआ। देहावसान मतलब इनका देहांत 1967 में हुआ था। तो बच्चों अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह और अवशाला। अपाहिज विकलांग पवित्र पावन शुद्ध। सूर्योदय सूर्य का निकलना। स्वामी मालिक आश्चर्य हैरानी। कंगले भिखारी परमात्मा ईश्वर। नेकी अच्छाई भलाई। स्वप्न सपना जाप पैर की आहट सहायता मदद। तो बच्चों शब्द अर्थ भी है मैंने आपको करा दिया है पेज नंबर 21 में से। अब आपको क्या करना है, पूरी कहानी पढ़नी है और शब्द अर्थ जो है वो आपका होमवर्क है, कॉपी में लिखना और उसको याद भी करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।